हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कभी हम हरे कृष्णा जाप किया तो इसका महत्व, हरे कृष्णा जाप करने का जो लाभ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम किया और ये क्यों करना है, कल हम चर्चा किया कि ये मंत्र ने ब्रह्मा ने नारद को दिया कलयुग के लिए, कि लोगों का कलयुग में लोगों का उद्धार हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि कलयुग के लोग कैसा है भागवत में वर्णन है, प्रिय नरपायुष सभ्य कलाओ अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्ययो पन्त। कलयुग में सब लोगों का आयु बहुत छोटा है, 100 साल के उम्र तक जी सकते, फिर भी लोग बहुत जल्दी मर जाते कलयुग में, कितना 70-80 साल तक। माता जी की उम्र कितना पता भी नहीं, कोई बात नहीं। तो और वर्णन है मंद सुमंद, सब लोग बहुत आलसी है, भक्ति करने के लिए लोग आलसी है। मैं सबको बताया कि आज पूजा होगा सुबह, हमने बताया जिंदगी कोई नहीं आया केवल आप। तो और हाँ उसके लिए आलसी नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए आलसी। तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोग आलसी नहीं है, परंतु इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इसके लिए आलसी नहीं है, परंतु भक्ति में प्रगति करने के लिए आलसी। और सब लोग क्या बोलते हैं, विभिन्न मत है भक्ति के बारे में, लोग सोचते अपना, लोग सोचते अपना अपना जो जो करते तरीका भक्ति का वही सही है, अलग अलग तरीका से करना है। और लोग बहुत परेशान है कलयुग में, सब लोग परेशान है ना, तो इसीलिए कलयुग में तपस्या करना, बड़ा पूजा करना, सही तरीका से पूजा करना कोई नहीं कर पा रहे। हम देख रहे कि लोग पूजा करते अपने मंदिर में, आप लोग जैसे घर पे बड़े मतलब मंदिर रखते, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स रखते, बहुत सारे मूर्ति ऐसे ही रख देते, कुछ साफ नहीं है। वहाँ पूजा करते फूल अगरबत्ती जल गया ऐसे ही पड़ा है, सब लग रहा है कि कचरा जैसे लग रहा है कि किसी ने फेंक दिया ऐसा, मंदिर ऐसा है लोगों का। लेकिन मूर्ति पूजा मतलब भगवान की पूजा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, हर दिन 2-3 बार साफ करते थे, बार बार साफ करना, कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए कलयुग में मूर्ति पूजा संभव नहीं है, ये सब पाप है। हाँ संभव है जब हम प्रामाणिक तरीके से गुरु परंपरा के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उससे और महत्वपूर्ण चीज है भगवान का नाम जाप करना, कलावदात हरि कीर्तना, हरि कीर्तन जाप करना, कीर्तन करना, हरि का नाम जाप और कीर्तन करना। तो ये हम किया अभी हरे कृष्ण जाप, तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। अगर शुद्ध भी नहीं है, कल चर्चा हुआ कि हम शुद्ध नहीं है तो करना क्या नहीं करना, तब भी करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र के लिए कोई नियम नहीं है, तत्रार्पिता नियमिता स्मरण ही न कहा। इसका अर्थ है कि कोई भी समय कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति में हरे कृष्ण जप कर सकते हैं। तो आप लोग जब घर का काम भी करते हैं, रसोई करना है, सफाई करना, गौ माता की सेवा करना, तो उस समय भी ये हरे कृष्णा जप सकते हो, बिना माला बोल सकते, गा सकते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप लोग जो भी काम करते बोल सकते, लेकिन फिर भी माला में करना जरूरी है, क्योंकि माला अलग समय निकाल के ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए, तब उसका लाभ ज्यादा होगा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जाप करने का लाभ क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? हम हरे कृष्ण जाप से पहले कोई एक मंत्र और बोल दिया, आपको याद है कौन सा? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ये मंत्र है चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं कृष्ण है जो कलयुग में आए थे सिखाने के लिए कि कैसे हरे कृष्ण जप और कीर्तन करना, कैसे भक्ति करना, युग धर्म जो हरि नाम संकीर्तन है उसको कैसे पालन करना। तो ये अपने पार्षदों के साथ आया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है और उनके साथ है नित्यानंद, इसका अर्थ है वो बलराम है। आप जानते बलराम के बारे में? ये आपके पूर्वज है या आप लोग यादव है? यादव आप, मैं आपसे पूछ रहा, आप सुनिए, आप सुनते हैं मन इधर उधर जा रहे, आप ध्यान से सुनिए, आप यहाँ यहाँ उपस्थित रहिए, केवल शरीर से नहीं मन से भी दिल से भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बलराम के बारे में जानते आप नहीं? कृष्ण को जानते बलराम को? हाँ, कृष्ण के कौन? बलराम है कि नहीं? याद नहीं? हाँ नहीं, आपको पता है, लेकिन ये लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, कुछ 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 पता नहीं है। कृष्ण और बलराम, तो बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो बलराम भी कलयुग में आया, नित्यानंद प्रभु, बाद में अद्वैताचार्य जो महाविष्णु है, गदाधर जो राधा रानी है, और श्रीवस्ताकुर जो नारद मुनि है। तो ये मंत्र हम जब बोलते हैं, हम सारे भगवान भगवान के पार्षदों सबको हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अच्छे से हरे कृष्ण जप कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया इस मंत्र के बारे में कि जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है, आपका इच्छा है समझना उसका लाभ क्या है? आप समझ सकते हैं हिंदी? मैं पूछ रहा हूं, आपका इच्छा है ये समझना लाभ क्या है? ये लोग सुनते नहीं कुछ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अब एक कथा नहीं है। नहीं नहीं, आप ये लोगों को सब समझ में आया, नहीं आपसे पूछा पूछा था ना कि माला केला का फायदा मतलब क्या है, मालूम करे करे कर मतलब क्या फायदा बैठा है माला केला मालूम चाहिए। पहला मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग समझ पाते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तब बोलिए कुछ, मैं आपसे जिज्ञासा कर रहा हूँ, आपको बोलना है। सुनो सुनो फिर सुनो, ये देखिए हम ऐसे पंडित लोग नहीं जैसे वो लोग हैं जो आपको सुनाएंगे और उनका कोई चिंता नहीं है, आप समझ सकते क्या? अभी हम यहाँ कक्षा कर रहे हैं, क्लास जैसे स्कूल में आपको शिक्षा देना है कि आपको ज्ञान होगा जब हम जाएंगे कि आप भी समझ पाएंगे और भक्ति अच्छे से करेंगे, इसलिए हम बताते हैं। ऐसे नहीं है केवल बस हमने कथा किया और बस हमारा काम हो गया और आप बैठ के किया, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप शरीर से यहाँ बैठते और मन वहाँ चले गए और सो गए, तब कोई लाभ नहीं है, आपको सीखना है। तो आपका इच्छा है समझना कि हरे कृष्ण जप करने का लाभ क्या है? हाँ नहीं चोरेंगे, किसी को नहीं चोरेंगे, आपको सीखना है।
जो माला खोले हमारे अगर फायदा क्या है, अगर मतलब फायदा, हाँ हाँ फायदा, वो लाभ नहीं जानते हैं। हाँ, क्या बोलना है, फायदा माला करने का फायदा क्या है आपको समझ? हाँ, ठीक है, तो आप सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब मैं बताऊंगा उसके बाद मैं पूछूंगा आपको क्या याद हुआ, सब सबसे पूछूंगा कि आपको मैंने क्या बोला, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप फेल, आपका फेल होगा एग्जाम, नहीं समझ पाए। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पणम आजनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यवादु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, संकीर्तन कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण, अब सबसे पहले क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा दिल चेतना एक आईना जैसा है, देखिए तो दर्पण आईना जो है अगर गंदा है, जैसे ये है थोड़ा गंदा है, अगर ज्यादा गंदा है तो आप जब देखेंगे क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, अपने चेहरा को नहीं देख पाएंगे। तो हमारा दिल अभी बहुत गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या टेंशन, तो और अलग अलग इच्छा है, तो मोह के वजह से हम नहीं देख सकते कि हम कौन है आत्मा, और हम भगवान को भी नहीं देख सकते। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण जप कर ले तब हमारा दिल अंदर साफ हो रहा है, सफाई हो रहा है। नहीं, कल हम चर्चा किया, अगर आप लोग घर का सफाई नहीं करते तो कैसे लग रहे हैं? आप झाड़ू पोछा लगाते हर दिन झाड़ू? हाँ, मुंह से बोलो तो कुछ आगे बोलो, हिंदी भी नहीं होता। अगर सफाई नहीं किया तब कैसे लग रहे हैं? अच्छा नहीं। तो इस प्रकार अगर हम हमारा दिल साफ नहीं कर रहे हर दिन, तब साफ नहीं हो सकता, तब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तब अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा दिल साफ हो रहा है और वास्तविक आनंद की प्राप्ति है। तो ये पहला चीज है, चेतो दर्पण मार्जन, मार्जन हो रहा है अंदर में, सफाई हमारे दिल के अंदर में। जब तक दिल साफ नहीं है तब तक भगवान कभी भी, हम भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम पाप में लग जाएंगे। मतलब अगर दिल में ये सब इच्छाएं हैं, काम वासना क्रोध है लोभ है, तो जब तक ये होगा तब तक हम पाप करेंगे, पाप करेंगे तो दुख होगा। तो इस प्रकार ये पहला चीज है कि जैसे हम घर सफाई कर रहे, जैसे हम कपड़े धोते, जैसे हम स्नान कर रहे, इस प्रकार हमें दिल साफ करने के लिए हर दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को जप करना है। इसलिए नियमित तरीके से, ऐसा नहीं कि कभी कभी किया, हर दिन। जैसे ऐसा नहीं कि आप अपना घर सफाई करते जब मर्जी है, हर दिन साफ करते नहीं, हाँ नहीं, अब आपने कपड़े हर दिन धोते, ये एक कपड़ा तीन चार दिन पहनते, हर दिन साफ करना चाहिए। तो इस प्रकार हर दिन हरे कृष्ण जाप करना है तब दिल साफ होगा, नहीं तो महिमा तो है कि अगर हम हरे कृष्ण जप किया तो हम पूरे सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं, फिर भी दोबारा मोह माया के प्रभाव से असत संग के वजह से दोबारा हम पाप करते हैं बार बार। ठीक है, तो चेतो दर्पण मार्जनम ये पहला है, बाद में पूछूंगा, याद रखिए कि पहला लाभ क्या है कि हमारा दिल साफ होगा, याद रखिए, बाद में हम पूछेंगे आपसे। ठीक है, पहला लाभ क्या होगा हरे कृष्ण जप करने का, कि दिल साफ होगा। ठीक है, तो
तो पहला अगर हम हमारे कृष्णा जाप कर रहे हैं उसका लाभ क्या होगा उनको बताया वो उनको पता नहीं। देखिए टेंशन ये तो इंग्लिश भाषा है, आप इंग्लिश बोलते क्या? अच्छा है, थोड़ा आता है, इतना आता है टेंशन, इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है कि ठीक है। अब सुनिए, आप पहला लाभ क्या है हरे कृष्ण जाप करने का? बोलो बोलो बोलो। देखिए दिन साफ होगा, याद रखिएगा। हाँ मजाक मत करो, ठीक है। दूसरा है, दूसरा लाभ है भवा महादवाग्नि निर्वापन, इसका आग है भाव सागर। ये एक आग जैसा है, दुख सब लोग दुखी हैं इस संसार में ना, आप अभी बताए कि टेंशन आ रहे हैं दुख, तो दुख को तुलना दिया कि एक आग जैसा है, आग जल रहा है। जैसे आप रसोई में पकाते तो आप जलाते कुकिंग करते तो बीच में टच किया तो जल गया पानी में डाल, क्यों दुख है। अगर आग जलाया हाथ में कहीं भी तो आपको दुख लगेगा, परेशान होगा। इस प्रकार पूरा संसार बारंबार दुख आते रहते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं भवा महादवाग्नि। ये एक बड़ा बड़ा आग जैसे जल रहा है। हरे कृष्ण हम लोग क्यों बात करते हैं? नहीं लेके जाओ ना, सुना है तो जाओ फिर इधर से। तो आग जैसे जल रहा है तो क्या है, हरे कृष्ण जप और कीर्तन करने से भवा महादवाग्नि निर्वापनम, शब्द है निर्वापनम, इसका अर्थ है कि ये आग बंद हो जाएगा, दुख बंद हो जाते अगर हम हरे कृष्ण जप और कीर्तन कर रहे हैं अच्छे से, दुख खत्म, कोई टेंशन नहीं। ये दूसरा लाभ याद रखिएगा, पहला दिल साफ, दूसरा है दुख बंद, भवा महादवाग्नि निर्वापनम। चेतदार परमार्जन भवा महादवाग्नि निर्वापन आगे प्रभु श्रेय कैरव चंद्रिका, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, इसका अर्थ है कि पूरा पूरा समाज संसार के लिए ये परम श्रेय, श्रेय जानते श्रेय मतलब परम कल्याण परम लाभ है। अगर हम हरे कृष्ण जप करते हैं ये कीर्तन करते हैं तब बाकी लोगों का सबसे बड़ा कल्याण हो रहा है। अगर हम गांव में कीर्तन जब हम किया सबका सारे लोगों का कल्याण होगा, हुआ परम कल्याण। इसका अर्थ है कि केवल मनुष्य नहीं, जानवर जैसे भैंस गाय कुत्ते बिल्ली चूहे मक्खी वनस्पति वृक्ष सबका कल्याण हो रहा है अगर हम हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे। लोग जो नहीं मानते हरे कृष्ण जैसे मुस्लिम लोग हैं ये क्रिश्चियन है, इस सब लोगों के लिए परम लाभ हो रहा है अगर सुनेंगे हरे कृष्ण इतना लाभ है दूसरों लोगों के लिए। आप सोचिए अगर आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं आपको कितना लाभ आ रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया चंद्रिका, चंद्रमा क्या बोलते हैं चंद्रमा, चंद्र तो चंद्र जैसे दो दो दिन में बहुत गर्मी है, गर्मी के वजह से लोग परेशान है, लेकिन रात को जब चंद्रमा आता है तो तब उनका उसका जो जो किरण है वो शीतल है ठंडा है तो अच्छा लग रहा है। इसलिए जब चंद्रमा इसे उदाहरण दिया जब हरे कृष्ण जब हम कर रहे हैं तो तब सबको सबको शीतल क्या बोलते हैं ठंडा महसूस आ रहा है, अच्छा मतलब दुख से मुक्ति, और इसलिए ये परम लाभ है सारे लोगों के लिए। तो अब याद रखिए कि तीसरा लाभ क्या है, हरे कृष्ण कीर्तन सारे लोगों के लिए परम कल्याण।
तो हरे कृष्ण कीर्तन क्या है, तीसरा लाभ आप बताइए। कौन है? मधुमक्खी मैं सुन रहा हूँ, बताया ना अभी, बताया। तीसरा लाभ क्या है अभी हम बताया? सुना नहीं दे रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है यहाँ तक, लेकिन अंदर नहीं जा रहा। और आपको याद है पीछे अभी सोने का नहीं है। बारहवां लाभ ये है, दोबारा बता रहा हूँ कि हरे कृष्ण कीर्तन जब हम कर रहे हैं पूरा समाज के लिए परम लाभ है। सभी लोगों को आध्यात्मिक पुण्य मिल रहा है। जो भी व्यक्ति सुनेगा हरे कृष्ण, मनुष्य भी, जानवर भी, वृक्ष, मधुमक्खी, ये मक्खी, सब सबके लिए, क्योंकि सब जीव है भगवान के अंश। अगर ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य है, ये गाना नहीं है वो बाहर का फिल्म गाना है, वो नहीं है, ये भगवान का दिव्य दिव्य नाम है। तो कोई भी सुनेंगे उनको लाभ मिलेगा। तो ये तीसरा लाभ है पूरा समाज के लिए परम श्रेय। याद रखिए, बाद में दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? एक्चुअली आपको सब नोट करना था, जैसे स्कूल में चौथा लाभ नंबर फोर, चार विद्या बाधु जीवन, इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो हरे कृष्ण जप कर रहे हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होगा। जैसे हम सुनते गीता के बारे में, गीता हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हरे कृष्ण को और हम जप नहीं करते तो कई बार समझ में नहीं आ रहे। प्रवचन हम सुनते समझ में नहीं आ रहे कि ये क्या है, भगवान कौन, ये सब वो माया के वजह से हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो प्रकाश हो जाते हैं, हम समझ पाते। हो सकते कि व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर वो विश्वास के साथ हरे कृष्ण जप कर रहे हैं तो वेदों का जो अंतिम सिद्धांत है सारे सिद्धांत समझ पाएंगे। ये लाभ चार, माता जी आप समझ सकते हैं परम लाभ नंबर चार? आप समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ, नहीं हिंदी समझ पाते जब मैं बोल रहा हूं? नहीं। तो लाभ ये है कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर आप गीता पढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप हरे कृष्ण जप करेंगे बिना पढ़ा बस विश्वास के साथ, तब क्या होगा, पूरा वेदों का ज्ञान आपको समझ में आएगा, आपको भी सबको। तो ये नंबर फोर लाभ कौन सा है बताइए? अभी मैं बोला बता, मतलब कोई बताओ, कोई बताया चार नंबर क्या है पीछे हो? क्या बोला? जोर से बोले, माला करेंगे अच्छे से, नहीं पकड़ेंगे तो माला करेंगे, माला करेंगे अच्छे से ज्ञान प्राप्त होगा। सही, बढ़िया। तो ये नंबर फोर विद्या बाधु जीवन, आगे आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदा पूर्णामृत स्वादन। सब लोग आनंद चाहते हैं, आनंद आनंद चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए, आपको आनंद नहीं चाहिए? चाहिए, आनंद सबको चाहिए, सबको आनंद चाहिए ना? सुख, सुख आपको चाहिए, सुख, ठीक है। तो उसी उसी आनंद के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो केवल हरे कृष्ण कीर्तन से मिलता है। हरे कृष्ण कीर्तन में वर्णन है तो आनंद जो इससे आएगा, आनंद बुद्धि वर्धन, एक सागर, समुद्र, आप जानते समुद्र, समुद्र को जानते हैं, बहुत पानी है, बहुत पानी, तो ऐसा आनंद मिलता है कीर्तन करने से। और वर्णन है
प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वाद, हर एक कदम में ये जो अनंत का सागर है वो बढ़ते रहते, वो कभी भी काम नहीं है, वो हमेशा बढ़ते रहते बढ़ते रहते। तो आनंद हम चाहते तो ये कीर्तन से मिल सकते। ये पांच लाभ नंबर पांच क्या है बताओ, अभी बताए बताइए, मालूम है अभी जो मैं बोला क्या लाभ है, क्या मिलेगा कीर्तन करने से? इस प्रकार का आनंद है, ज्यादा आनंद, मतलब क्या मिलेगा? आनंद, बहुत ज्यादा आनंद। ये इसे सागर का तुलना दिया, क्योंकि सागर में इतना पानी है, ज्यादा है पानी, तो मतलब इतना ज्यादा आनंद मिलता है। ठीक बात, आनंद मुदिवादन प्रतिफल पूर्णामृत पूर्णामृत स्वादन अस्वादनम, इसका अस्वादन करेंगे, टेस्ट करेंगे। सर्वात्मस्नापनम मतलब सारे जीवों को क्या बोलते हैं, इसी स्नान मिलेगा। सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, इसका आने परम विजय, हरे कृष्ण कीर्तन से परम विजय, परम लाभ मिल सकते हैं। तो हरे कृष्ण कीर्तन जो भी और जप जो कर रहे हैं उनको कोई नाश नहीं हो सकते जीवन में, एक है कि जन्म मृत्यु को पराजित कर सकते हैं, दूसरा है भगवान के लिए प्रेम जो परम विजय है वास्तव में, वही प्राप्त कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण जाप करने का अंतिम लाभ क्या है सुनिए, अंतिम लाभ है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। किसी का प्रॉब्लम इसके कृष्ण तो नहीं है अभी, यहां कृष्ण वारण है कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, गोलोकेरा प्रेम दान हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन जो कृष्ण का घर है, कृष्ण का सर्वोपरि धाम, वहां से ये मंत्र आ रहे इस दुनिया में कृष्ण के लिए प्रेम देने के लिए, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। इस जगत में सब प्रेम करना चाहते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन ये जो प्रेम है इस संसार में वो क्षणिक है, और इसी वास्तविक प्रेम नहीं है, उसमें दुख आता है बार बार, इसमें विघ्न आता है जितना भी प्रेम करेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा है कि जिनको हम प्रेम करते हैं उनसे हम अलग हो जाते हैं मृत्यु के समय, अगर उससे पहले नहीं। तो कई बार प्रेम करते बाद में जागरण करते हैं तो प्रेम खत्म ईर्ष्या करते हैं। तो वास्तव में भगवान के साथ जब हम निस्वार्थ भाव से उन्हीं की सेवा कर रहे वही वास्तविक प्रेम। इस संसार में जो प्रेम जिनको प्रेम बोलते हैं वो केवल स्वार्थ है, जब तक मैं आपसे मिल रहा हूँ कुछ तब तक मैं प्रेम कर रहा हूँ, जब नहीं मिलता है तब हमारा प्रेम खत्म, इससे ये इसमें दुख है। परंतु कृष्ण की सेवा निस्वार्थ भाव से हमेशा हर एक परिस्थिति में उसको बोलते प्रेम। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से हम वही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और तब हम भगवान के पास जा सकते हैं। कृष्ण लीला जैसे हम सुनते थे उस दिन कि कृष्ण कैसे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, कैसे गोपियों के साथ लीला करते हैं, नंद महाराज गोवर्धन उठाते कृष्ण, तो वहां जाना है। हम हरे कृष्ण जप करने का उद्देश्य है कि कृष्ण के पास जाना है, उनके पास रहना है, कृष्ण के साथ जो है गाय को चराना है, गाय की सेवा करना, दूध निकालना जो अभी करते हैं आप लोग वही करना है, लेकिन कृष्ण रहेंगे वहां, तो इसलिए वहां पर कोई दुख नहीं होगा। जहां कृष्ण है वहां जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कोई टेंशन नहीं, कोनो टेंशन नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, वहां कोनो दिक्कत नहीं, ये कृष्ण है, इसलिए ये जप करना चाहिए और ये नित्य लाभ है। एक बार कृष्ण के पास पहुंच गया, कृष्ण ने कहा मामो पेते तो कांते या पुनर्जन्म ना भी देते, अगर एक बार हम कृष्ण को मिला तब दोबारा जन्म नहीं देखना है, कभी भी जन्म नहीं लेना, क्योंकि जन्म लेना मतलब दिक्कत है ना, हम सब लोग जन्म लिया
तो जन्म से लेकर तक अभी तक टेंशन हो रहा है ना। देखिए छोटे बच्चे हैं तो एग्जाम टेंशन, उनको टेंशन आ रहे, माँ को टेंशन आ रहे, सबको टेंशन आ रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, लेकिन ये भी नहीं करना। मैं बोला कि अंदर मत रखिए क्योंकि उनको दावत आ रहे हैं, इसलिए डिस्टर्बेंस, कोई कोनो बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। इसे आपको माफ। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हरे कृष्णा करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी किसी का कुछ दावत है, कोनो सवाल पूछे के बाद भोजपुरी पूछो, हम बता देते हैं भोजपुरी में कुछ, मतलब कुछ बात बात बाटा बताओ, हम हिंदी बता देते। क्या नाम है का? बोला नाम बता। अमी बोला सुनो, पर तो आपका कोई सवाल है, अच्छा लग रहा है, माला बाद में हम आपके साथ अलग से करेंगे सवाल, आपके पास समय है, रुकेंगे थोड़ा, क्षमा कीजिए। देखिए हाँ दोबारा बता रहा हूँ, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है कि आपको सिखाना है, जैसे स्कूल में सिखाते हैं, स्कूल में देखिए देखो कितना पढ़ते हैं ये बच्चे, कितना कितना बोलते हैं कि जो जितना ही पूजा करता है वो उतना ही दुख झेलता है, क्यों? अच्छा प्रश्न है ये, कल मैंने बताया थोड़ा सा, ये भगवान ने कहा कि जब युधिष्ठिर महाराज कृष्णा से ही सीधा ही पूछा कि आपके जो बाग थे बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, ऐसा क्यों, जितना बड़ा बाग थे इतना दुखी है। हम देख सकते हैं महाभारत में युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती महारानी, द्रौपदी, सब लोग कितना कितना वनवास जाना है, परेशान कैसे हो सकते, लेकिन ये भगवान के भक्त है, मित्र है, कृष्ण के साथ ही, ऐसा क्यों? बाद में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज इतना बड़े बात, कितना उनको दुख दिया हिरण्यकशिपु। तभी दो चीज है, तो वहां युधिष्ठिर ने कृष्ण से जिज्ञासा किया, तो कृष्ण ने कहा यस्याहम अनुगृह्णामि हरिश्चेत् तदनम शनैः। उन्होंने कहा कि जब मैं विशेष एक भक्त को विशेष कृपा देता हूँ तब मैं उनका जो दान है हर लेता हूँ, और उनके पास जब दान नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनका परिवार उसको छोड़ देते, क्योंकि परिवार परिवार में प्रेम और संबंध है, जब तक आपसे कुछ लाभ मिल रहे हैं, जब पापा या दादाजी पैसा नहीं कमाते तब छोड़ देते, क्या फायदा है उसका, कोई ध्यान नहीं देते, जब तक पैसा दे रहे तब ठीक, पैसा नहीं आ रहा, तो तब व्यक्ति उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास सपोर्ट भी नहीं है, घर घर से भी कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए उनके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है केवल कृष्ण। तब ऐसा व्यक्ति पूरी तरफ से अपने को समर्पित करते हैं कृष्ण की सेवा। तो बात यह है कि हम आ सकते हैं, असक्ति है हमारा, तो असक्ति के वजह से हम कभी भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण ने कहा भोगाईश्वर्य प्रसक्ता नामताय पहित चेतसं व्यवसायात्मिका बोधि समाधाना विधीयते, कि पूरी तरफ से भगवान को स्मरण करना, याद करना, समाधि वो संभव नहीं है अगर हमारा असक्ति है भोग और ऐश्वर्य में, कि मेरे पास बड़ा घर होगा, मेरे पास इतना 50-100 सारी होगा, मेरे पास सोना होगा, पैसा होगा, बड़ा टीवी होगा, पैसे निकलेगा दिल से कि हमारा ये होगा। हाँ यही बताता हूँ, यही बताता हूँ, कृष्ण कृष्ण ऐसे बातों को ये सारा सारा जो ऐश्वर्य निकाल देते, कुछ नहीं है उनके पास,
तब आपने आप व्यक्ति अपने को समर्पित करते कृष्ण की सेवा में। तो हम लोग ऐसा है, हमारा आसक्ति है, तो धीरे धीरे जब प्रगति करेंगे कृष्णा हमें मदद करेंगे कि आसक्ति को तोड़ना निकलना, और बाद में वो हम पूरी तरफ से समर्पित हो जाएंगे उन्हीं की सेवा में, तब कृष्णा सब कुछ देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। तो ये है कि भगवान दुख निकाल देते और आसक्ति, इसीलिए लग रहा है कि क्या है हमारा आसक्ति है थोड़ा, हम कृष्ण भक्ति भी करते, कृष्ण के लिए भी अच्छा लग रहा है भक्ति करना, और साथ साथ भौतिक आसक्ति भी है दोनों। तो अभी पूरा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए 100% 100% हमें शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए कृष्ण थोड़ा दुख देते हैं, दुख नहीं देते बस वो आसक्ति निकाल देते। तो आसक्ति आसक्ति जब सफाई हो रहा है तब दुख लग रहा है। इसीलिए जैसे उदाहरण के लिए आप कभी कभी मतलब सब्जी काटते तो कट हो जाते हैं, ये कटाई करते तो कट हो गया ना, तो बाद में उसमें बांध बंद देते हो, खून आएगा तो उसको बंद देते कपड़े से, तो बाद में एक दिन के बाद वो सूख जाता है पूरा, वो चिपक जाता है, तभी उसको निकालना है ने? वो उसको निकालने के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि वो चिपक गया, और उसको निकालते बहुत दर्द, कई बार ऐसे करते ऐसा है। तो ऐसा है हमारा, वो आसक्ति है हमारा, तो भगवान निकाल देते ओ तो बहुत दर्द लगे। जैसे हम बोलते कि आप पूरा आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो मांस छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, चाय छोड़ दो, हम बोलते चाय छोड़ो, चाय हमसे हम तो चाय ही पी, चाय तो नहीं चाय, ये दुख लग रहा है ना। ये उदाहरण बताता हूँ, जब कुछ छोड़ना है तो लग रहा है बहुत दुख लग रहा है, लेकिन जब जब करते करते तो आपने आप भगवान सफाई कर रहे हैं, तो आपने आप बाद में रुचि भी नहीं है करने का, ये छोटा दुख है छोटा जी। मैं उदाहरण बताता हूँ, हम बोलते हैं घर छोड़ दो, कैसे हो सकते नहीं हो सकते, दुख लग रहा है, तो बाद में भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं, तूफान आएगा घर तोड़ दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम, तब दिल से प्रार्थना करेंगे। इसे मैं बोल रहा हरे कृष्ण जब करे तो ध्यान पूर्वक करना, फिर भी लोगों का मन इतना चंचल है कि हरे कृष्ण, तो तब उसमें क्या लाभ है, उसमें कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब कुछ दिक्कत है तो हरे कृष्ण कृष्ण, कोई उपाय नहीं, केवल कृष्ण है, तो कृष्ण से प्रार्थना करे दिल से, तब लाभ है। इसलिए कृष्ण दुख देते कभी कभी। उदाहरण के लिए द्रौपदी, द्रौपदी कैसे हुआ, द्रौपदी को वस्त्रहरण, उस समय सावा में जब ये जुआ खेलते थे तो युधिष्ठिर अपना राजा को उनका वो जब क्या बोलते हैं लॉस हो गया, बाद में द्रौपदी को भी, और बाद में उसको कि ये सारे कपड़ा निकालना है, दुर्योधन ने दुशासन को बोला कि उसको निकालना है सबके साथ, कितना बड़ा दुख है, कितना दिक्कत है, आपको कैसे लगेगा जाने। तो द्रौपदी ने पहले क्या किया, प्रयास किए, भगवान को बुला रहे हैं कृष्णा है, और साथ साथ भी पकड़ रहे सारे, लेकिन बाद में देखा कि दुशासन इतना शक्तिशाली है कि नहीं रोक पाएंगे, तो बाद में दोनों हाथ हे कृष्णा हे गोविंद, तब कृष्णा रक्षा दिया, तब कृष्णा इतना सारी दिया कि दुशासन खिंचते खिंचते थक गया, गिर गया वहां इतना। तो इस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी को ऐसे परिस्थिति में रखा कि दुख था, लेकिन उसी परिस्थिति में द्रौपदी पूरा समर्पित हो गया, तब भगवान पूरा रक्षा दिया ऐसे। तो इस प्रकार कोई चिंता नहीं, दुख थोड़ा आएगा, परीक्षा ये एग्जाम है, एग्जाम
नहीं एग्जाम क्यों एग्जाम देते स्कूल में? स्कूल में क्यों एग्जाम है? आप लोग क्यों एग्जाम लिखते हैं? एग्जाम इसीलिए है कि अगर नहीं एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा? वो आप लोग आएंगे स्कूल, सुनेंगे, वहां जॉब करेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, कुछ याद नहीं होगा, कुछ याद नहीं होगा। नहीं एग्जाम है, ओ लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं तो फेल होगा, ओ टेंशन टेंशन। लेकिन उसके बाद जैसे प्रयास कर रहे, पढ़ते पढ़ते याद करते तो ज्ञान आ गया, एग्जाम पास किया और आपके पास ज्ञान रहेगा। इसलिए मैं आपसे एग्जाम ले रहा हूँ कि मैं क्या बोला तो आपको दुख लगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, आप बताइए लाभ क्या है महामंत्र जप करने का, तो आपको दुख लग रहा है। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे समझने के लिए, अरे सुने जाना, वो खाते तो जब आपको दुख लगे, लेकिन आप प्रयास करते समझने के लिए, याद करने के लिए, तो आपको लाभ होगा। इसीलिए मैं आपसे परीक्षा दे रहा हूँ, एग्जाम ले रहा हूँ, स्कूल में भी ऐसा। इसीलिए भगवान भक्तों से एग्जाम ले रहे कि निस्वार्थ भाव से भक्ति करना, वो हम बोल सकते हैं। लोग बोलते हैं हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं भगवान, बहुत प्रेम, लेकिन वो हम बोलते चाय छोड़ दो हमसे नहीं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ ऐसे जनरली। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोलेंगे प्रियांशु को भेजो हमारे साथ तो तब देखेंगे कितना भक्ति है आपके पास। नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कितना भक्ति है आपके पास। हम 3 बजे उठते, सुनिए, हम 3 बजे उठते, 16 माला करते, ज्यादा भी करते, ओ हम भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब अपना बेटे को गुरुकुल में भेजो, तब देखेंगे भक्ति क्या है। क्या बोले शक्ति है, मेरा बेटा है, मेरा है। दो आपके पास 4 है, दो के तू तो अपने घर चल जाएगा, लड़की अपने घर चली जाएगी। आप चिंता मत करिए, इसका अर्थ है कि आपका भक्ति कहाँ तक है। आप करते हैं, लेकिन जब अभी आगे आते गुरु से, श्री प्रभुपाद ने आगे दिया कि जो बात है पिता माता का कर्तव्य है बच्चों को ऐसा शिक्षा देना कि कभी जानना नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को स्कूल में भेजते तो वहां पर ये शिक्षा नहीं मिलता है। स्कूल में क्या मिलता है? भौतिक ज्ञान, इसमें मोह माया में और भी फंस जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को परेशान करें स्कूल भेजने से, केवल टेंशन है एग्जाम देने का और कोई ज्ञान नहीं मिलता आत्मा के बारे में, केवल मोह माया को सिखाते वहां, ठीक है। तो भगवान और उन्हीं के बाद बताते कि गुरुकुल जहाँ पर भौतिक ज्ञान भी कुछ मिलेगा और पूरा आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगा बचपन से। प्रहलाद महाराज शास्त्रों का उक्ति है, शास्त्रों में माना कि कौ मरम अचरित प्रज्ञो धर्मं भागवत अभिया, कि बचपन से भक्ति करना चाहिए। तो गुरुकुल में सिखाते, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है वो करना, शास्त्रों के हिसाब से गुरु की आज्ञा है। तो अभी हम बोलेंगे उनको ले जाना है तो आपको दुख लगेगा ना। लेकिन अगर आप गंभीर है, आपका ये परीक्षा है आपके लिए ना, आपने पूछा दुख क्यों, तो ये अच्छा। लेकिन आपका आसक्ति है शरीर के लिए, वो छोटा बच्चा जो है जो उनको आप देख रहे हैं ये मेरा है, उनके लिए क्यों इतना आसक्ति नहीं है? ये पड़ोसी में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए क्यों इतना आसक्ति नहीं? वो भी है, वो भी बच्चा है, वो भी आत्मा है। तो क्यों आप सोचा है जनस्य मोहयम अहम ममेति, मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरा पैसा, मेरा साड़ी, मेरा कॉपी, जो भी बोलेंगे। तो ये सब क्या है? आसक्ति है, मोह माया। तो भगवान जब ये हर लेते हैं, माया को हर लेते हैं, हमारे लिए अच्छा है, तब दुख लग रहा है, हमारे लिए अच्छा है। दूसरा उदाहरण, जैसे आप लोग पिता माता और माता लोग हैं तो
बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, कई बार सुनते नहीं, इधर उधर जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, गेम्स खेलते हैं, ऐसा है ना कई बार, है कि नहीं? बच्चे सुनते नहीं ना, तो तब आप लोग क्या करते हैं? बैठाए क्यों करते हैं? गुस्से में हाँ, लेकिन उनको लाभ देना है ना, प्रेम से करते वास्तव में, क्योंकि उनके लिए वो गलत करने से उनको दुख आएगा, तो इसे आप मार देते हैं, तो बाद में वो सही करेंगे, सुधारेंगे। तो इस प्रकार भगवान हमको भक्तों को दुख दे रहे कि अच्छे से भक्ति करें, ठीक है? ये प्रश्न ठीक है, समझ गए? तो दुख सुख में भक्ति करना है, दुख मतलब भगवान की कृपा है, आई तो कृपा। और भी कुछ प्रश्न है, सवाल बा माला लेने के बाद? कुछ पूछा तो बहुत बोला ना, पूछा हूँ करते बताए हैं, मतलब अभी कुछ भी मतलब भक्ति करके भगवान की सेवा करके क्या जो अभी मैं बताया आपको याद है? श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीराधा माधव की जय।